वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग सीरीज के अंदर। इससे पहले आप 8 वीडियोस देख चुके हैं जो कि इस प्रकार थे। इनमें से कोई भी वीडियो आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद 2 नंबर है सीट या पेज डिजाइन, 3 नंबर है डीएम डिजाइन, 4 नंबर है कवर पेज डिजाइन, 5 नंबर है सीट या पेज डिजाइन विदाउट यूजिंग टेम्पलेट, 6 नंबर है डीएम डिजाइन विदाउट यूजिंग टेम्पलेट एंड कटिंग, 7 नंबर है गोल्डन एंड रेड कलर इफेक्ट्स और 8 नंबर है स्फीयर टोन एंड ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स। आज सीरीज़ का हम ये 9th वीडियो बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम एक एल्बम के अंदर लाइट रूम के इफ़ेक्ट्स यूज करेंगे। लाइट रूम के इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार इफ़ेक्ट रहते हैं। इनको हम एक एल्बम के अंदर पहले लाइट रूम के अंदर फ़ोटो ले जाएंगे, वहाँ पे इफ़ेक्ट देंगे और उसके बाद में हम उनको एल्बम के अंदर यूज करेंगे। तो ये इफ़ेक्ट किस तरह से हम यूज करेंगे, आइए देखते हैं। ये फोल्डर वही है जो हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्लोजअप फोटोज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे लाइट रूम आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी के अंदर। तो ये इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। लाइट रूम 5 है ये। लाइट रूम ओपन करने के बाद के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे ऊपर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी डेवलप। हमारे जो इसके अंदर फोटो के अंदर जो यूज़ में लेने हैं वो यही है लाइब्रेरी और डेवलप का। लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहले हम फोटो लेके आएंगे। फ़ोटो किस तरह से लाएंगे, या तो फाइल में जाएंगे और ओपन कैटलॉग करेंगे, या डायरेक्ट हम सीधा क्या करेंगे, फ़ोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मुझे कौन कौन सी कैसी फ़ोटो लेनी है, ये फ़ोटो यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो फोल्डर के अंदर जितने भी ये फ़ोटो हैं, ये फ़ोटो वो सारी की सारी यहाँ पे हमें दिखाएगा कि कौन कौन सी जो सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं इस फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस फ़ोटो को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस फ़ोटो को और इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम सिंपल इंपोर्ट करेंगे। आप सब एक साथ भी कर सकते हैं, चेक ऑल अनचेक ऑल रिमूव भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे। फ़ोटो इंपोर्ट करने के बाद में ये देखिए इतनी फ़ोटो इंपोर्ट हो गई है। ये नीचे आपको टाइमलाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप सब आपकी ये फ़ोटोज़ हैं। और फिर हम डेवलप पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो डेवलप करनी है हमें। फ़ोटो डेवलप पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे इफ़ेक्ट है प्रीसेट्स, इनको लाइटरूम के अंदर प्रीसेट्स बोलते हैं। ये यहाँ पे प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स के अंदर लाइटरूम ब्लैक एंड वाइट फिल्टर प्रीसेट्स, ये ब्लैक एंड वाइट के और यहाँ पे मूव करते यहाँ पे दिखाएगा कि ये फ़ोटो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे कैसी दिखाई देगी। ये देखिए तो मूव करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रीसेट्स आपको यूज़ में लेना है। ये ब्लैक एंड वाइट ये लेना है, ऑरेंज फिल्टर ये देखिए, उसके बाद में येलो फिल्टर, ये ब्लैक एंड वाइट हो गए। लाइट रूम ब्लैक एंड वाइट प्रीसेट्स ये भी है, ये देखिए टोन प्रेजेंट लाइट रूम ब्लैक एंड वाइट टोन अलग अलग आपको दिखाई देगी इसमें। फिर लाइट रूम कलर प्रेजेंट्स, ये कलर के हैं इफ़ेक्ट, आप इनको बना सकते हैं। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ को हम इफ़ेक्ट देते हैं अलग अलग, फिर देखें ये इफ़ेक्ट मैंने इस फ़ोटो को दे दिया। नेक्स्ट फ़ोटो ये है, फिर यहाँ से आप देखिए लाइट रूम इफेक्ट प्रीसेट्स, यहाँ पे आप ग्रेन मीडियम ग्रेन राउंडेड कॉर्नर वाइट ये दे सकते हैं। फिर जनरल प्रीसेट्स, थोड़ा 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 आपको सब में डिफरेंस, ये वीडियो प्रीसेट्स हैं। और ये जो न्यू प्रीसेट्स है ये मैंने बाहर से इंपोर्ट किए हैं। आप बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आप खुद के भी बना सकते हैं इसके अंदर और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे खूब सारे प्रीसेट्स इंपोर्ट किए हैं, आप देखिए यहाँ पे। जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आप सेलेक्ट कीजिए। आप खुद के प्रीसेट भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं।
उसके लिए आप डेवलपमेंट न्यू प्रीसेट पे जाना होगा और जो आपने सेटिंग की है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। सेटिंग कैसे, जैसे इसके अंदर आप अपने तरह से भी तैयार कर सकते हैं, Lightroom कलर प्रीसेट्स, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर आप इसको टेम्परेचर हाई करना है, लो करना है, टिंट ये कितना करना है आपको, एक्सपोजर आपको ज़्यादा करना है, कम करना है, कॉन्ट्रास्ट भी आप इसका मैनेज कर सकते हैं, खूब सारे लाइटिंग, शेडो, वाइटनेस, ब्लैक्स, क्लियरिटी, आपको कितनी क्लियरिटी चाहिए, ज़्यादा डीप चाहिए फोटो या फिर क्लीन चाहिए, कैसी चाहिए आपको, वेरिएंस, वेरिएंस को कम करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाएगा, अदरवाइज कलर ज़्यादा हार्ड दिखेंगे, सेचुरेशन। इसके अलावा आप टोन कर्व है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट डार्क ये कर सकते हैं सब, कलर कम ज़्यादा, कौन सा आपको कलर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ये सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्प्लिट टोनिंग, सेचुरेशन, बैलेंस, सब के सब यहाँ से मैनेज कर, डिटेल फोटो के अंदर आपको डिटेल कितनी चाहिए ये ज़रूर आप थोड़ा सा यूज करें इसको, जिससे आपको फोटो में डिटेल अच्छी दिखाई देगी। यहाँ ऊपर आप देखिए मैं कर रहा हूँ, अमाउंट जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ डिटेल ज़्यादा हो रही है, अदरवाइज ये नहीं कर रही, इसको आप थोड़ा सा यूज़ कीजिए। नॉइस रिडक्शन, आपको नॉइस कितना रिड्यूस करना है, कम करना है, लेंस करेक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इफेक्ट, ये जो बाहर से इफेक्ट आ रहा है इसको हाईलाइट प्योरिटी, आप बीच में से कितना इसको हाईलाइट देना चाह रहे हैं, वाइट से हाईलाइट या ब्लैक से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हाईलाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर रखना है या फिर फेदर कम या ज़्यादा कितना करना है, ग्रेन आपको कितना रखना है, ग्रेन की साइज आपको क्या रखनी है, आप यहाँ पे आप फोटो पूरी तरह से लाइटरूम में, कैमरा इफेक्ट, कौन सा प्राइमरी कलर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तरह से आप पूरा का पूरा, और ये जो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपने किया है इसी को आप डेवलप में जाके न्यू प्रीसेट से यहाँ पे अपना प्रीसेट सेव कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस फोटो को लेते हैं, तैयार करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट है आप उनको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं, एक सीट के अंदर या पूरे एल्बम के अंदर ये यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 6-7 फोटो के अंदर तो ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार लगे। फिर इसके बाद में आपको सब फोटो सेलेक्ट करनी है और फाइल मेन्यू में जाके आपको करना है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखिए हाँ पे एक्सपोर्ट करना है, सेम फोल्डर है जो ओरिजिनल में करना है या स्पेसिफिक फोल्डर में करना है, तो यहाँ से आप चूज करेंगे फोल्डर, आप लेटर बाद में भी चूज कर सकते हैं, मैं इसको सेम फोल्डर है जो ओरिजिनल में कर रहा हूँ, और पुट इन सब फोल्डर जो ओरिजिनल है उसके अंदर फोल्डर बनाएगा, जैसे लाइट रूम लिख दिया और इस फोल्डर के अंदर करेगा, सेम फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना के एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्टिंग प्रोसेस चल रही है, कंप्लीट हो गई, और ये लाइट रूम नाम का एक फोल्डर और जो हमने इफेक्ट दिए थे ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत आपका एल्बम लगेगा, जितना आप गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट, स्पीयर टोन और कलर और ये लाइट रूम इफेक्ट आप जितने रहेंगे बहुत ज़्यादा शानदार लगेगा। और फिर उसके बाद में आप इसको फोटोशॉप के अंदर
जो सीट चाहिए 12, विड्थ इसकी 36, हाइट इसकी 12 चाहिए और सेंटर के अंदर मैं इसको 18 इंच पे कट कर रहा हूँ। यहाँ आप जो फ़ोटो तैयार किए वो लेके आ सकते हैं। एग्जांपल के लिए इन फोटोज़ को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और इस तरीके से आप अपना एल्बम, अगर एक सीट इस तरह से आप लाइट रूम की तैयार करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आप इफेक्ट उसमें देंगे, तो आपका एल्बम बहुत ही शानदार लुक में लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।